पास ठहरे हुए हैं, ये जो है मोहम्मद अब्दुल खादर साहब हैं, जो गाजीपुरा रानी का बाग पहाड़ का एरिया है वहाँ पर रहते हैं। आपका 12 साल का लड़का है, जो हम मीडिया में बच्चे का नाम और बच्चे की तस्वीर नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उस हिसाब से जो है हम शो नहीं कर सकते, इसलिए वालिद साहब के सामने रखें। तो वालिद साहब आज हमारे से अप्रोच हुए कि इनके बच्चे के साथ जो है मॉस्को फॉल हुआ है, जो कौमी लूट की हरकत जो कहते हैं हम, वो हरकत ये बच्चे के साथ, इनके महल्ले के कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ बच्चे बालिग हैं उसके अंदर, तो मुसलसिल बच्चे के साथ जो है ज़्यादती कर रहे थे, बच्चे को डरा रहे थे कि घर में नहीं बताना। इससे पहले भी 3-4 बार हो गया, लेकिन आज 11 बजे वाक़या सुबह में फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें ले जा के बच्चे के साथ गलत हरकत की गई, और 2 जने थे फिर और एक तीसरा बच्चा भी इसमें शामिल हुआ, तो बच्चे को काफ़ी तकलीफ हुई, दर्द हुआ पेट में, तो वो घर में आके बताया। तो आप हमारे से अप्रोच हुए तो चालीबंडा PS में आए हैं, अभी FIR दर्ज हो रही है, सर्कल साहब से ACP साहब से भी बात हुई है, FIR दर्ज हो रहा, बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद में केस बुक होगा। लेकिन उससे पहले हम मीडिया के ज़रिए हम बताना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर जो वाक़यात इस तरीके से हो रहे हैं, ड्रग्स, गांजा और या फिर भी इनकी सप्लाई हो रही है, और कम उम्र नौजवान बच्चे इस तरीके के वाक़यात में मुलविस हो रहे हैं। ये मसला कब से चल रहा है? ये कब से जो है तकरीबन खालिद साहब, बच्चा कब से शिकायत किया आपकी? भाई एक साल से चल रहा है। आज सुबह कहा था बच्चा दो चला, उन्होंने अब तक नहीं आया, बोल के निकला तो दो चला बोला के अभी इसको बढ़ा के ले गए, तो जाके मालूम हुआ तो अंदर था, बिल्डिंग में था, वो उमर यमनी है बोल के, और अबू रोडी है, उमर यमनी बच्चे को मारते धमकी दे रहे हैं। धमकी दिया, मारते नहीं, रिकॉर्डिंग है बस, बच्चे को धमकी दिया, बच्चे को बाप को बोला था बाप को खत्म करते हूँ, तेरे को ऊपर से भेज तो बोल रहे, फोन पे आया था फोन, नहीं फोन नहीं आया पास, बच्चे को धमकी दिया। तो मैं मीडिया के जरिए यही बताना चाह रहा हूँ कि असेंबली सेशन चल रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज जो है काफ़ी 3 घंटे तक जो है बंगारू तेलंगाना के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर्स के नाम पे, काफ़ी तरफ के नाम पे लंबी तकरीरें की हैं, लेकिन शहर के अंदर कैपिटल सिटी के अंदर इस तरीके के वाक़यात आ रहे हैं। शहर के अंदर लड़कियां नहीं हैं महफूज, हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि लड़कियां नहीं हैं। इससे पहले मॉस्को के केसेस में जेल में कई लोग पड़े हुए हैं जहाँ लड़कियाँ महफूज नहीं हैं, बोले तो वहाँ पर 12 साल के 13 साल के बच्चे भी शहर के अंदर महफूज नहीं हैं। फिर हम कैसा कहेंगे कि इसको बंगारू तेलंगाना है? और हमारे महमूद अली साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ है शी टीम, कहाँ है ही टीम, पुलिस की जो है टीम्स कहाँ, पेट्रोलिंग्स की, इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं। पुलिस का नेटवर्क इतना फैला हुआ होता है कि एक गली में क्या वाक़या हो रहा है पुलिस की इतला होती है। इस तरीके के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में जो वाक़यात हो रहे हैं इसकी जो है खास सख्त नोट लेते हुए दोनों को अरेस्ट करके जो सो सजा होना है। दो जने थे। तो ये मुसलसिल वही बच्चे कर रहे हैं, वही बच्चे कर रहे हैं। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? आप सजा ना तरीके के जो है बच्चों के ऊपर केस होना चाहिए, केस होना सजा ना, और ऐसे वाक़यात आइंदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हुकूमत क्या इकदाम करती है, क्या सीरियस एक्शन लेती है हुकूमत? पुलिस आपको कॉपरेट कर रही है नहीं कर रही? पुलिस तो अभी बात कर रहे हैं, कंप्लेंट लिखे जा रहा है, कंप्लेंट टाइप हुआ है, पुलिस की तरफ से अभी कॉपरेट हुआ है, लेकिन अब कॉपरेट कब होता है? जब अरेस्ट होते हैं, केस बुक होता है, तो जब होता है। अभी तो हम अप्रोच हुए हैं इनके साथ, तो अभी तो बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है? अभी बच्चा 5th तक पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा बच्चा? 6th तक पढ़ा, 6th तक पढ़ा रहा है। बच्चे को मदरसे को भेज रहे थे अभी, वहाँ पे गए थे पुलिस वाले, स्पॉट पे गए थे, नहीं गए अभी। अभी तो अभी नहीं गए, कंप्लेंट टाइप हुआ है, उसके बाद अभी सर्कल साहब भी आ रहे हैं। क्या एक्शन, क्या एज है बच्चे की? 14 है, 14 ईयर्स है, और जो बच्चे करे हैं वो लोगों की उम्र 16 से 18 साल, माइनर है वो भी, अंडर एज 18 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो इस तरीके के जो बच्चों के साथ वाक़ हो रहे हैं, मैं और एक वाक़ा बताऊंगा। हमारे सुल्तानशाही एरियाज में और जितने दूसरे जो ग्राउंड्स हैं, फिलवत ग्राउंड्स हैं, मोगलपुरा ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर जो है पबजी गेम्स में ये बच्चों की गैदरिंग हो रही है रोज रातों में। मैं कई बार पुलिस स्टेशनों को, मोगलपुरा वगैरह को फोन करके बताता हूँ कि गैदरिंग बच्चे जो ग्रुप में बैठ रहे हैं, तो ये मोबाइल्स के साथ, ये पबजी के गेम्स के साथ, यूट्यूब के ऊपर ये हरकतें देख कर बच्चे जो है इस तरीके के वाक़ात में मुलविस हो रहे हैं। तो पुलिस का काम है कि ये जहाँ 4-5 बच्चों की गैदरिंग हो रही है उनकी इन्वेस्टिगेशन करना।
रौडियों की काउंसलिंग होती, दूसरे चीज़ों की काउंसलिंग करते, तो क्यों ऐसे अंडर एज बच्चों की काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती और महल्ले में क्यों चेकिंग नहीं की जा सकती है? हम हुकूमत से यही मीडिया के जरिए कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके के इकदाम को फौरी कंट्रोल किया जाए, वरना शहर के हालात और बदतरीन हो जा सकते हैं। ओके सर, ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल AM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ।